हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको नूडल स्टफ सैंडविच बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत इजी है, फटाफट से बन जाता है। सुबह की भूख हो या शाम की भूख हो, कभी भी आप इसे खाएं और एंजॉय करें, और बच्चों को भी आप इसे लंच में दे सकते हैं। कुछ नया और समथिंग ट्राई किया है मैंने आपके लिए, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि इस टेस्टी और यम्मी रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, तीन से चार फ्रेश। मैंने अनियन ले लिया है, जिसे मोटे साइज़ में काट लिया है, और मैंने कैप्सिकम और गाजर लिया है, जिसे छोटा बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे नूडल्स लिया है, जिसे अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। कॉर्न फ्लावर लिया है मैंने, और एक अंडा लिया है। तो सबसे पहले मैंने कॉर्न फ्लावर को एक बाउल में रख लिया है, उसके बाद मैं इसमें अंडे को तोड़ करके डाल दूँगी। तो मैंने इसमें अंडा डाल दिया है, अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, जिसे मैंने आपको नहीं दिखाया है, तो बिल्कुल भी सॉल्ट स्किप ना करें, इसे ज़रूर डालें। तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके हमें इसे अच्छा सा एक बैटर बना लेना है। बहुत भी ज़्यादा पतला ना करें, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी तीखी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली ना करें इसे। और इसे अच्छे तरीके से स्पून की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसे कर लिया है मिक्स, अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी। तो मैंने इसमें डाल दिया है कोरिएंडर लीव्स और उसे अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। तो बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, और अब हम इसे साइड रख देंगे और गैस में रख देंगे एक पैन। तो मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, उसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। मैंने प्याज को थोड़ा मोटा मोटा काटा है, तो आप भी ऐसा ही काटें इसे। अब मैं इसे एक से दो मिनट भून लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च और गाजर, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था। इससे ज़्यादा आपको डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और इसे कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। बिल्कुल फ्लेम अपना स्लो रखें, उसके बाद मैं इसे दो से चार मिनट तक अच्छे तरीके से भून लूँगी। और मैंने इसे ढककर पकाया है दो मिनट के लिए, तो ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, आप भी इसे ढककर ही बनाएं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी नूडल्स। ये प्लेन वाला नूडल्स है, जो कि मार्केट में बहुत मिल जाता है। और अब मैं इसमें डालूंगी गर्म मसाला। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया है, गर्म मसाला पाउडर इसमें डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है, अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपको स्पून से ही दबाते हुए नूडल्स को छोटा छोटा कर लेना है, यानी कि स्पून की सहायता से इसे कट कर लेना है चलाते चलाते हुए, क्योंकि ये बहुत ही लंबा होता है, तो इस तरीके से हम इसे सैंडविच नहीं बना पाएंगे। तो ये देखिए, स्पून की सहायता से मैंने इसे काट दिया है छोटा छोटा, और बिल्कुल चलाते चलाते आप इसे दबा के आराम से काट सकते हैं। तो चलिए, रेडी हो चुका है, इसे ठंडा होने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है रोलिंग पिन, और अब मैं एक ब्रेड के स्लाइस को लेकर के इसे अच्छे तरीके से रोल कर लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे रोल करें, क्योंकि ब्रेड जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इसमें टूटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इतनी ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तरीके से मैं सारे ब्रेड को बेल लूँगी। तो मैंने सारे ब्रेड को बेल लिया है, ये देखिए। अब आपको इस तरीके से इसके ऊपर में अपनी स्टफिंग रख देनी है, बहुत ही सावधानी के साथ इसे रखें। अगर आपके नूडल्स इधर उधर थोड़े बहुत निकल जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि हम इस पे इसे ब्रेड पे रख कर बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम मैदे से इसे बनाते हैं, तो उसे अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ब्रेड है, तो इस तरीके से स्पून से इसे दबा दें
उसके बाद हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे। तो मैंने इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रख दिया है और इसे कर दिया है अच्छे तरीके से कवर। बस इसी तरीके से आपको बाकी के ब्रेड्स को भी बना करके रख लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो अब मैं बाकी के ब्रेड्स को भी सेम प्रोसेस से तैयार कर लूँगी। तो मैंने सारे ब्रेड्स को तैयार कर लिया है। मैंने रख दिया है गैस पे एक तवा और हम इस तरीके से ब्रेड को जो मैंने इसका बैटर तैयार किया था उस पर डिप करेंगे। ये देखिए बहुत सावधानी के साथ आप करें क्योंकि ब्रेड जो होती है वो सॉफ्ट होती है। जिस तरीके से हम ब्रेड का पकौड़ा बनाते हैं बस उसी तरीके से आपको इसे डिप करना है और डिप करके आराम से तवे पर रख देना है। तो मैंने सारे जो ब्रेड्स हैं उन्हें तवे पे रख दिया। ये देखिए ऊपर से थोड़ा ऑयल की कोटिंग आप कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये तैयार हो गया है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये तवे पे बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। अगर आपके नूडल्स इधर उधर से थोड़े बहुत बाहर आ रहे हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही फटाफट बन जाती है। मैंने इसे अंडे से बनाया है तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो नाश्ते में इसे बनाकर आप ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका कलर। बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुका है, तैयार हो चुका है हमारा यम्मी यम्मी सा सैंडविच। तो ये नूडल्स सैंडविच आप अपने घर पे ज़रूर बनाएं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया है और देखने में भी ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। बहुत ही जल्दी और आसान सी रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और इसमें कोरिएंडर लीव्स जो मैंने इसमें डाला था ये ऊपर में नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिससे ये और भी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर इंजॉय करें। आलू से तो हम इसकी स्टफ़िंग करते ही हैं लेकिन मैंने आज नूडल्स डाल के इसकी स्टफ़िंग की है तो ये बहुत ही यूनिक है। तो ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैंने इसे काट के दिखाया है, बच्चे से बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इसके अंदर नूडल्स भी है जो कि उनके फेवरेट होते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी और करारी सी रेसिपी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी और घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन बाय बाय गाइज़।